प्रोजेक्ट टाइगर की सफलता भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए गौरव का विषय है। भारत ने टाइगर को न सिर्फ बचाया है बल्कि उसको फलने फूलने का एक बेहतरीन इकोसिस्टम दिया है। यह हम लोगों के लिए और भी सुखद है कि जिस समय हमने अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे किए हैं उसी समय दुनिया की करीब करीब 75% टाइगर पॉपुलेशन भारत में ही है। ये भी संयोग है कि भारत में टाइगर रिजर्व भी 75,000 वर्ग किलोमीटर का और बीते 10-12 वर्षों में टाइगर पॉपुलेशन भी 75% बढ़ी है। ये सभी के प्रयासों से संभव हो सका है और इसके लिए मैं पूरे देश को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज विश्व भर के वन्य जीव प्रेमियों के मन में ये सवाल है, जब अनेक टाइगर रेंज देशों में उनकी आबादी स्थिर है या आबादी घट रही है, तो फिर भारत में तेजी से बढ़ क्यों रही है? इसका उत्तर है भारत की परंपरा, भारत की संस्कृति और भारत के समाज में बायोडायवर्सिटी को लेकर, पर्यावरण को लेकर जो हमारा स्वाभाविक आग्रह है और वही सफलता के अंदर छिपा हुआ है। हम इकोलॉजी और इकोनॉमी में कॉन्फ्लिक्ट नहीं मानते बल्कि दोनों के बीच को एग्जिस्टेंस को महत्व देते हैं। हमारे यहां टाइगर से जुड़ा हजारों वर्ष पुराना इतिहास है। मध्य प्रदेश में पाई गई 10,000 साल पुरानी रॉक आर्ट्स में टाइगर के चित्र पाए गए हैं। सेंट्रल इंडिया में रहने वाले भारिया और महाराष्ट्र में रहने वाले वर्ली जैसे देश के अनेक समुदाय टाइगर को पूजते हैं, वर्शिपर। हमारे यहां अनेक जनजातियों में टाइगर को अपना बंधु माना जाता है, भाई माना जाता है और टाइगर मां दुर्गा और भगवान अयप्पा का वाहन तो है ही।